हेलो फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोपहर के बज चुके हैं 12। मैं आ गई हूँ आपको बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी सुनाने। तो आज की स्टोरी का टाइटल है शेर और चूहे की कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, जब एक शेर जंगल में सो रहा था, उस समय एक चूहा उसके शरीर में उछल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया, साथ में गुस्सा भी हो गया। वहीं फिर वो जैसे ही चूहे को खाने को हुआ, तब चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आज़ाद कर दे, और वो उसे कसम देता है कि कभी यदि उसकी ज़रूरत पड़े तब वो ज़रूर से शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसने जाने दिया। कुछ महीने के बाद एक दिन कुछ शिकार जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया। वहीं उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध भी दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर ना सका। ऐसे में वो जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी, तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वो तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा, और जिससे शेर कुछ देर में भी आज़ाद भी हो गया और उसने चूहे को धन्यवाद दी। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। तो आप सब बताना कि आपको आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी, ठीक है? और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।